Hello dear students, how are you? I hope that you will be fine at your home. Now we continue our subject science, class 3rd, lesson 4, birds, the feathered animals. Last video में हमने आपको feet and claws study कराए थे, बताया था कि different birds में different प्रकार के feet और claws होते हैं. Now we start nesting. अब हम आपको बताएंगे nesting, घोंसला बनाना. Birds build nests to lay eggs. पक्षी घोंसला बनाते अंडे देने के लिए. दे चूज प्लेस विच आर सेफ फ्रॉम एनिमीज एंड बेड वेदर. वे चूज करते हैं उस स्थान को जो सेफ रहता है शत्रुओं से और बुरे मौसम से. दे यूज ट्विंग्स ग्रास फीदर्स कॉटन वूल लीव्स एंड समटाइम्स इवन मड टू बिल्ड दियर नेस्ट्स. वे यूज करते हैं ट्विंग्स एंड टहनी का, ग्रास का, फीदर्स का, कॉटन वूल लीव्स और कभी कभी वे मड में भी अपना यानी कीचड़ में भी अपना घोंसला बनाते हैं. डिफरेंट बर्ड्स मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेस्ट्स. विभिन्न प्रकार के पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं. ए वुडपेकर मेक्स ए होल इन अ ट्री विथ इट्स बीक. जो वुडपेकर यानी कठफोड़वा होता है वो ट्री पर होल बनाता है अपनी चोंच से. द होल इज यूज एज ए नेस्ट और होल को यूज करता है घोंसले की तरह. द ईगल एंड द वल्चर मेक नेस्ट्स बाय गैदरिंग अ फ्यू स्टिक्स एंड सिंपली पुटिंग देम टुगेदर इन द शेप ऑफ ए सेलो कप. ईगर और बल्चर घोंसला बनाते हैं कुछ स्टिक्स को इकट्ठा करने के द्वारा. वो उनको सिंपल रूप से एक दूसरे के साथ रखते हैं और उसको स्वालो कप के शेप के रूप में. ओके. द बिहेवियर बर्ड यूजेस ग्रास ट्विंग्स एंड लीव्स टू वीव अ नेस्ट विथ इट्स बी. जो बिहेवियर बर्ड होती है वो यूज करती है ग्रास का, ट्विंग्स का, लीव्स का टू वीव घोंसले को बुनने के लिए विथ इट्स बीक अपनी चोंच से. देयर इज एन ओपनिंग एट द बॉटम ऑफ द नेस्ट फॉर द बर्ड टू एंटर. यहाँ पर एक ओपनिंग होती है बॉटम पर यानी तली पे ऑफ द नेस्ट घोंसले में फॉर द बर्ड टू एंटर बर्ड के अंदर प्रवेश के लिए. ओके. ए टेलर बर्ड स्टिचेस टू ब्रॉड लीव्स टूगेदर टू मेक इट्स नेस्ट. जो टेलर बर्ड होती है वो सिलती है दो चौड़ी पत्तियों को साथ में अपना घोंसला बनाने के लिए. इट यूजेस इट्स शार्प बीक एज ए नीडल टू सीव द लीव्स विद कॉटन हेयर और वूल. वह यूज करती है अपनी शार्प चोंच का सुई के रूप में लीव्स को कॉटन हेयर और वूल के साथ सिलने के लिए. ओके. किंगफिशर सेल डक एंड सैंड मार्टिन डिग लॉन्ग टनल्स एंड देन डिपोजिट्स दियर एग्स इन देम. किंगफिशर सेल डक और सेंट मार्टिन खोदते हैं लंबी टनल को तब उसमें डिपोजिट करते हैं अपने अंडों को. ओके. पिजन्स एंड स्पेरोज बिल्ड दियर नेस्ट्स ऑन विंडो एजेस वेंटिलेटर्स एंड इवन ऑन सीलिंग फैंस विथ लीव्स ड्राई ग्रासेस एंड ट्विंग्स. पिजन स्पेरो अपना घोंसला बनाते हैं खिड़की के किनारों पर वेंटिलेटर्स यानी रोशनदानों पर और यहाँ तक कि सीलिंग फैंस पर लीव्स ड्राई ग्रास और ट्विंग्स के साथ. ओके. पेंगुइन्स मेक दियर नेस्ट्स ऑन द ग्राउंड विथ अ फ्यू स्टोन्स और पेबल्स. पेंगुइन्स अपना घोंसला बनाती ग्राउंड पर कुछ स्टोन्स और पेबल्स के साथ. ओके. नेक्स्ट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बर्ड्स. यहाँ पर हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे पक्षियों के बारे में. द लार्जेस्ट एग ऑफ ए बर्ड वॉज लेड बाय एन ऑस्ट्रिच. सबसे बड़ा अंडा जो दिया जाता है वो ऑस्ट्रिच पक्षी के द्वारा दिया जाता है. ओके. द स्मॉलेस्ट एग वॉज लेड बाय अ हमिंग बर्ड. और छोटा अंडा दिया जाता है हमिंग बर्ड के द्वारा. द एग ऑफ ए हमिंग बर्ड इज द साइज ऑफ ए पी. जो हमिंग बर्ड का जो एग होता है उसका जो साइज होता है वो पी के यानी मटर के बराबर होता है. ओके. बर्ड मेक साउंड्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर. बर्ड्स साउंड बनाती है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए. ओके. नेक्स्ट द पेंगुइन इज द ओनली बर्ड दैट वॉक्स स्ट्रेट. पेंगुइन एक अकेली पक्षी है जो सीधे चलती है. हैंस एंड पिकॉक्स कैन फ्लाई ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस. हैंस और पिकॉक उड़ सकते हैं केवल छोटी दूरी के लिए. देयर आर सॉन्ग बर्ड्स दैट ईट इंसेक्ट्स
विच हार्म प्लांट्स एंड ट्रीज, जो सॉन्ग बर्ड्स होती है वे इंसेक्ट को खाते हैं जो प्लांट्स और ट्रीज को नुकसान पहुंचाते हैं। इन एडिशन दे आल्सो ईट फ्रूट्स नट्स एंड सीड, इसके अलावा ये फ्रूट्स नट्स और सीड्स को भी खाते हैं। केयरिंग द यंग बर्ड्स, बर्ड्स ले दियर एग इन नेस, पक्षी अपने अंडे घोंसले में देते हैं। व्हाइल वन ऑफ द पेरेंट्स सीड्स ऑन द एग्स टू वार्म देम, जब उनमें इसे एक पेरेंट्स एक पर बैठता है उनको गर्म करने के लिए। द अदर पेरेंट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमल, और दूसरा जो पेरेंट होता है वो उन्हें एनिमल से प्रोटेक्ट करता है। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ समय बाद यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ द एग, कुछ समय बाद यंग बर्ड्स अंडे में से बाहर आती है। दिस इज कॉल्ड हैचिंग, यह है हैचिंग यानी अंडा सहने की प्रक्रिया। द पेरेंट बर्ड फीड द यंग बर्ड्स एंड लुक आफ्टर देम, जो पेरेंट बर्ड्स होती है वह यंग बर्ड्स को फीड कराती है और उनकी देखभाल करती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।